आप सभी का स्वागत है चैनल पे जिसका नाम है इंडियन गेमिंग। तो हमारे एंड्रॉइड डिवाइसों के लिए एक नया गेम रिलीज हो चुका है जो GTA से इंस्पायर्ड है, जिस गेम का नाम है लिबर्टी सिटी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं यार, इतना भी खुश मत हो जाओ क्योंकि ये गेम GTA लिबर्टी सिटी नहीं है, टोटली फ्रेश गेम है जिससे फिलीपींस के यूजर बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, इसे अर्ली एक्सेस पे ही लॉन्च किया गया है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हो, इस गेम को डाउनलोड करने की सोच रहे हो, तो कैसे करना है, गेम कैसा है, सभी डिटेल आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के साथ पूरा चिपके रहना। वीडियो कहीं भी पसंद आ जाए तो लाइक करके जाना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए आ चुके हो, आने वाले इसी तरह से नए नए गेम के बारे में जानना चाहते हो, गेम प्ले देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो नीचे रेड कलर के बटन को दबा के। तो चलो भाई, जल्दी से हम गेम प्ले में चलते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। Broke homies from me. Well, you know what? I was sick of you anyway. Then we're both happy. Take your trash and scram. I never want to see you again. Hey, bro. I hear you gave that boss of yours a beating. Good work. Super smart. And shut up about it. I got fired. Then Jenny kicked me to the curb. Homeless and jobless, homie. You can do way better. You got what it takes, you know? You could go far. Further than working that door in that shithole bar, anyway. Look, bro, I sent you $200. Find somewhere to sleep. And think about what we talked about before. If you want to go ahead, come find me. तो थोड़ा सा गेम का इंट्रो देख के आपको बेसिक से स्टोरी के बारे में पता चल चुका होगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, ये एक ओपन वर्ल्ड नहीं है जैसे आप GTA में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इस गेम में ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये एक स्ट्रेटेजी बेस्ड मोबाइल गेम है जिसके डेवलपर है यूजु सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड, और इससे पहले उन्होंने लाइट ऑफ थेल, इन्फिनिटी किंगडम, डायनेस्टिक ओरिजिन और इसके अलावा भी बहुत सारा गेम एंड्रॉइड डिवाइसों के लिए रिलीज कर चुके हैं। ये जो गेम है यानी लिबर्टी सिटी, अभी फिलहाल अर्ली एक्सेस पे लॉन्च हुआ है सिर्फ और सिर्फ फिलीपींस में। तो इसका मतलब है कि अगर आप इस वीडियो को फिलीपींस से नहीं देख रहे हो तो आप इस गेम को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर पाओगे। अगर आप टैप टैप के बारे में सोच रहे थे, उसमें भी ये गेम अभी तक नहीं आया है, तो उसे आप वहाँ से भी डाउनलोड नहीं कर सकते हो। थारा मूड खराब कर दिया। तो एक ही ऑप्शन बचता है, गूगल में जाओ, सर्च करो। अगर आपको ढूंढने के बाद मिल जाता है तो अच्छी बात है, जिसका एप्लीकेशन साइज है 900 MB। अगर आपको नहीं मिलता है ढूंढने के बावजूद, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे गूगल में जाके, तो ज्यादा रिजल्ट जो है आपको GTA लिबर्टी सिटी का ही मिलेगा। तो आपको रिकमेंड करूंगा, हमें पर्सनली DM करो हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम कोशिश करेंगे मैसेज आने के बाद जल्दी से जल्दी आपको इस गेम का लिंक प्रोवाइड कर सको। उसके बाद आपको इस गेम को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको एक VPN डाउनलोड करना पड़ेगा जिसमें फिलीपींस का सर्वर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फिलीपींस सर्वर में कनेक्ट नहीं होते हो तो शायद इस गेम को आप खेल ही नहीं पाओगे। समझ रहे हो? तो इतना ही सिंपल सा स्टेप है, उसके बाद आप इस गेम को खेलते हुए एंजॉय कर पाओगे। इस गेम में आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे, उनका अलग अलग स्किल है, अपने कैरेक्टर को अपग्रेड भी कर पाओगे, स्टारअप भी कर पाओगे, और इस गेम में स्टोरी भी है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप इस गेम में कुछ भी नहीं करते हो तो आपका जो मेन कैरेक्टर है होम स्क्रीन में ही घूमता रहेगा, सड़कों पे कैश कलेक्ट करता रहेगा। ऑब्वियसली स्क्रीन में तो आप देख ही पा रहे हो, और हर कैरेक्टर का अपना एक आउटफिट है जिसे आप इक्विप करके उसको और ज्यादा पावरफुल बना सकते हो, और फाइट से पहले सिचुएशन के हिसाब से आप फॉर्मेशन सेट कर सकते हो कैरेक्टर का। इस गेम में कुछ मोड्स भी आपको मिल जाता है जिसे आप खेलते हुए अच्छा खासा रिवॉर्ड भी ले सकते हो, जिसमें से AFK प्ले मोड है। ये एक लेजेंडरी माफिया जर्नी है, इससे आप सिर्फ 10 मिनट दोगे तो पूरा जर्नी आपका कम्प्लीट हो जाएगा। और कॉम्बैट स्टाइल इस गेम में मिक्स मैच का है, यानी आपको बेसिकली फाइट देखते रहना है और सही टाइम पे हर कैरेक्टर का स्किल को यूज करना है। गेम प्ले की बात करें, ग्राफिक्स इस गेम के बहुत ही अच्छे हैं,
कंट्रोल उतना मैटर नहीं करता है इस गेम में, लेकिन मुझे पर्सनली इस गेम में एक ही फीचर अच्छा लगा कि हर कैरेक्टर का वॉइस ओवर भी दिया गया है, जिसमें आपको स्टोरी एक्सप्लोर करते हुए बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। बैटलिंग स्टाइल जो है सिंपल है, हालांकि GTA जैसा रखते तो काफी ज्यादा मजा आता, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो काफी कमाल का गेम है जिसे आप खेलते हुए बहुत ही ज्यादा एंजॉय करोगे, खासकर इस गेम का जो स्टोरी मोड है। तो अगर आपको गूगल प्ले स्टोर में जाके चेक करना है कि ये गेम लॉन्च हुआ है कि नहीं आपके कंट्री में, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ लिबर्टी सिटी का गेम प्ले देख के आप बहुत ही ज्यादा एंजॉय किए होंगे, तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ 10 में से इस गेम को आप कितना रेटिंग देना पसंद करोगे। ऑब्वियसली मुझे पता है GTA जैसा तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक उसके जैसा एक्सपीरियंस आप इस गेम को खेलते हुए ले सकते हो। तो वीडियो अगर कहीं भी पसंद आ गया होगा तो लाइक करके जाना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए आ चुके हो आने वाले इसी तरह से इंटरेस्टिंग गेम के बारे में जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इस लोगो बटन को दबा के। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फ्रेश एंड फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए goodbye।